वाली हूँ आप अपना लिप्स को नेचुरली पिंक कैसे कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम ले लेंगे एक बीट जो कि मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगा। उसके छिलके को अच्छे से हम निकाल लेंगे, फिर हम इसी तरह इसको क्रश कर लेंगे। क्रश करने के बाद हम उसको, आप चाहो अगर तो ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हो, नहीं तो कुछ ज़रूरत नहीं है। ये अच्छे से क्रश हो जाने के बाद हम एक छन्नी ले लेंगे और एक कंटेनर ले लेंगे एंड उसको इसके ऊपर रख के एक स्पून के थ्रू से हम इसका सारा रस निकाल लेंगे। रस निकालने के बाद हम इसको गर्म करेंगे। हमें इसको तब तक गर्म करना है जब तक ये थिक नहीं हो जाता एंड एक स्पून के थ्रू से इसको मिक्स करते रहना है ताकि ये लग ना जाए। तो ये कुछ इसी तरह थिक हो जाएगा। थिक हो जाने के बाद हम इसको जो कंटेनर में रखना चाहते हैं वो कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब देख लीजिए मैं की हूँ। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर हम इसमें डालेंगे पेट्रोलियम जेली एंड इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ये इसी तरह मिक्स नहीं होता अच्छे से तो आप इसको डबल बॉयलर प्रोसेस में थोड़ा सा हर्ट करके अच्छे से मिक्स कर सकते हो। देन हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई कैप्सूल, फिर उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब मिक्स हो जाने के बाद ये कुछ इसी तरह दिखेगा एंड हम इसमें जो कोकोनट ऑयल एंड विटामिन ई कैप्सूल ऐड किए हैं ये हमारे ड्राई लिप्स को स्मूथ बनाएगी एंड लिप्स को, जैसे डार्क लिप्स होता है उसको लाइटन करने में ये बहुत हेल्प करती है। अब हमारा लिप बम तैयार हो चुका है। अभी हम इसको सेट करने के लिए फ्रिज में 20 से 30 मिनट तक रख लेंगे, फिर ये कुछ इसी तरह बन जाएगा। एंड यस, अभी हम इसको हमारे लिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको लिप्स पे अप्लाई करने से पहले आप पहले लिप्स को अच्छे से क्लीन कर लीजिए एंड उसको स्क्रब कर लीजिए। एंड स्क्रब के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आप नॉर्मल जो हमारा रेगुलर टूथब्रश होता है आप वो ले लीजिए, उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए एंड जैसे हम टूथ में ब्रश करते हैं आप वैसे ही उसको लिप्स पे रब कीजिए। तो इसके द्वारा हमारा जो डेड स्किन है वो निकलने में ईजी हो जाएगा एंड लिप्स भी पूरा क्लीन हो जाएगा। ये हो जाने के बाद आप लिप बम यूज कर सकते हो, नहीं तो आप एक कंटेनर में थोड़ा सा शुगर ले लो एंड उसमें थोड़ी सी नारियल का तेल ले लीजिए एंड उसको मिक्स कर लीजिए। फिर वो अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद आप लिप्स पे उसको स्क्रब कीजिए। तो ये भी आपका एक स्क्रब हो जाएगा जो भी आपको इजी होगा। आई थिंक ब्रश वाला आपको ज़्यादा इजी होगा, लेकिन आपको अगर टाइम मिलता है आप हफ्ते में एक बार इसको कर लीजिए। तो इसको अच्छे से हम स्क्रब कर लेंगे। ये स्क्रब हो जाने के बाद हम लिप्स पे उसको अप्लाई करेंगे। तो हमारा स्क्रब हो चुका है, अब हम लिप्स को अच्छे से क्लीन कर लेंगे एंड अभी अप्लाई करेंगे लिप बाम। हम अगर इसको हर रोज रात को यूज करते हैं तो इसका जो कलर है हमारा लिप्स उसको ऑब्जर्व कर लेता है एंड हमारा जो लिप्स है वो धीरे धीरे नेचुरली सेम कलर लगने लगता है। तो आप इसको हर रोज रात को ऐसे ही स्क्रब कर लीजिए। स्क्रब करने के बाद अप्लाई कीजिए। आप अगर छुट्टी में हो, घर पे हो, तो आप घर पे जब बैठ रहे हो खाली तो तब भी यूज कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि खाली रात में यूज कर सकते हो। तो बस ये बहुत ईजी है लिप बम बनाना, तो आप भी इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिए एंड आप भी अपने लिप्स को नेचुरली पिंक बना लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मैं आगे आपके लिए ऐसे ही नया नया वीडियो लेके आ सकूँ। बाय बाय।